अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल जॉब कैटेगरी पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेल आइकन तो एकदम नाम दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमारे पास जो वैकेंसी उसके बारे में बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है नहीं है, कौन सी कंपनी कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी नहीं मिलेगी सब कुछ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा तो समझ में आएगा कि L&T दुबई में वैकेंसी। L&T एक बहुत बड़ी कंपनी है, लर्सन एंड टर्बो कंपनी है, ठीक है। ये इंडिया में बहुत सी ब्रांच है इसकी, ठीक है, दुबई में भी है। तो जो लोग जॉब में जाना चाहते हैं L&T में दुबई में, तो वो डिस्क्रिप्शन नंबर पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजें और फटाफट ऑफिस विजिट करें। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इसमें थोड़ा प्रोसेस टाइम लेगा। हम विजिट एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसमें आपको प्रोसेस में टाइम लेगा, तो उसी हिसाब से अपना तैयारी करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए जो वैकेंसी उसके बारे में बताते हैं और आप सही से जान लीजिए, समझ लीजिए आपको जो चूज़ कि आपको जल्दी कराना है या टाइम लेकर कराना है, दोनों कर लीजिए। हमारे पास अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल जॉब कैटेगरी पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेल आइकन तो एकदम नाम दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमारे पास जो वैकेंसी उसके बारे में बात करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या है नहीं है, कौन सी कंपनी कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी नहीं मिलेगी सब कुछ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा तो समझ में आएगा कि L&T दुबई में वैकेंसी। L&T एक बहुत बड़ी कंपनी है, लर्सन एंड टर्बो कंपनी है, ठीक है। ये इंडिया में बहुत सी ब्रांच है इसकी, ठीक है, दुबई में भी है। तो जो लोग जॉब में जाना चाहते हैं L&T में दुबई में, तो वो डिस्क्रिप्शन नंबर पर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजें और फटाफट ऑफिस विजिट करें। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इसमें थोड़ा प्रोसेस टाइम लेगा। हम विजिट एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसमें आपको प्रोसेस में टाइम लेगा, तो उसी हिसाब से अपना तैयारी करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए जो वैकेंसी उसके बारे में बताते हैं और आप सही से जान लीजिए, समझ लीजिए आपको जो चूज़ कि आपको जल्दी कराना है या टाइम लेकर कराना है, दोनों कर लीजिए। हमारे पास दोनों भी है इस पोस्ट में वैकेंसी, विजिट एम्प्लॉयमेंट भी है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। हम आपके लिए जितना पॉसिबल होता है हर तरह का काम लाते हैं, आपको बस हम पे भरोसा करके काम कराना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो बताता हूँ तो उसको पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। हो सकता है कोई मेन पॉइंट में नहीं बोला और आप उसको वीडियो छोड़ कर चले गए तो आपको समझ में नहीं आएगा कोई पॉइंट। मेन पॉइंट जो होता है जो मैं लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि मैं कोई डिस्क्रिप्शन लिख के नहीं रखा हूँ जिससे आपको लाइन बाय लाइन करके बता दूंगा। बस जो मेरे पास आया उसको देख के आपको बताना है, उसमें से अगर कुछ छुपा नीचे होता है तो फिर आपको वो लास्ट में अपडेट कर देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। हमें मैसेज चाहिए इस कंपनी के लिए, ठीक है, 28 तारीख को इंटरव्यू है इसकी। मैसेज चाहिए, जो सैलरी है 900 से 1000 मिलेगी, खाने का 200 मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा आपको, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मिलेगा, 6 दिन काम होगा हफ्ते में, 2 साल का वीज़ा ना, उम्र जो होनी चाहिए 21 से लेके कम से कम 40,000 उम्र होनी चाहिए, मेडिकल नॉर्मल मेडिकल चलेगा, ठीक है। और जो फैसिलिटीज़ है कंपनी की, जो भी UAE के लोग के हिसाब से आपको लेबर फैसिलिटीज़ मिलेगी। फूड अलाउंस जो 200 बता रहा हूँ मैं, 200 दिरहम, वो आपको फूड वहाँ फ्री मिल सकता है, नहीं तो फिर फूड अलाउंस मिलेगा, ठीक है। कारपेंटर चाहिए, तो कारपेंटर की सैलरी वही 900 से लेके 1000 प्लस 200 खाने का। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि सैलरी थोड़ी कम रहती है, विजिट एम्प्लॉयमेंट ये रहता है कि सैलरी अच्छी मिलती है, 200-300 दिरहम आगे भी अच्छा रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा कम रहता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि कंपनी पूरा वीज़ा वीज़ा पैसा खर्च करेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की आदमी की जरूरत होता है, जरूरत पर आदमी जब काम किसी को रखता है तो 100-200 नहीं देखता, रख लेता है। स्टिल फिक्सर चाहिए, 900 से लेके 1000 दिरहम सैलरी मिलेगी, 200 खाने का मिलेगा, नहीं तो फिर खाना फ्री मिलेगा। हेल्पर चाहिए, जिनकी 700 से लेके 800 सैलरी मिलेगी। तो माफ़ कीजिएगा भाई लोग, ऐसा नहीं बोलिएगा, गाली गलौज मत कीजिएगा कमेंट्स में, जो कंपनी बता रही है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 200 खाने का मिलेगा, और जो कंपनी आपको देगी एकोमोडेशन देगी, फूड नहीं तो फूड अलाउंस 200 जो पहले बताया मैं आपको, उसके बाद आपको 8 घंटे का काम है प्लस ओवर टाइम होगा, जो कंपनी की ज़रूरत होगी तभी ओवर टाइम होगा, नहीं तो नहीं होगा।
आपको इसमें कंपलसरी नहीं बता सकता, ठीक है। उसके हफ्ते में 6 दिन काम होगा, 2 साल का आपको वीज़ा मिलेगा। उम्र जो आपकी कम से कम 21 होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 40 होनी चाहिए, मेडिकल नॉर्मल मेडिकल। तो दोस्तों हमने बता दिया आपको क्या वैकेंसी कैसे है नहीं है, तो उसको सही से आप समझ लीजिए और जान लीजिए। और जो भी भाई अप्लाई करना चाहते हैं हमारे ऑफिस में आए, हम सबको वेलकम करते हैं भाई, हमारे ऑफिस में सबको हम वेलकम करते हैं। आइए, डरने की कोई बात नहीं, आपको हम पकड़ के बांध नहीं लेंगे। काम आपको कराना रहेगा तो कराइएगा, नहीं कराना रहेगा तो नहीं कराइएगा। बहुत से लोग बोलते हैं ऑफिस है, पहले जब मेरा ऑफिस नहीं था तो आपका ऑफिस है कि नहीं है, अब जब ऑफिस हो गया है तो आपका फलाना ठिकाना है, ये ठिकाना है, वो ठिकाना है। अरे भाई, आपको काम कराना है सबसे पहले ये सोचो, आपको काम कराना है काम करके देंगे, फलाना है ढिकाना है सब आप ही को दिखा देंगे, तो मेरा काम क्या रह जाएगा। तो दोस्त कहने का मतलब यही है कि जो बंदा ज़्यादा ईमानदार आता है ना, उसका लोग ज़्यादा पैर खींचते हैं, ठीक है। और जो उल्टे पुल्टे जो कमेंट्स करते हैं उनको मैं देख रहा हूँ, नाम देख रहा हूँ मैं उनको, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, वक्त आने पर बात करेंगे उनसे हम अच्छी तरीके से। इज्जत से बात करते हैं तो इज्जत से बात कीजिए, ठीक है। हम आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको आना नहीं आना आपकी मर्ज़ी है, हम आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बुला रहे, ठीक है ना। जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं ध्यान से सुन लें, उनका कुछ भी नहीं मेरा कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैं अपना काम पूरा बराबर से करता हूँ, जिससे कोई बंदा मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा। सिर्फ कमेंट्स में ही आप लिख सकते हैं, दूसरा और कुछ भी आपको रास्ता नहीं मिलेगा। और फालतू कमेंट्स करके अपना जबान खुद ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा काम, अपना काम कर रहे हैं, अगर मेरा काम आपको पसंद नहीं आता है तो आप वीडियो देखें ना देखें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कमेंट में उल्टा से जवाब दे तो हम आपको जवाब दे सकते हैं कमेंट्स में, लेकिन वहीं पर पूरा खाता खुल जाएगा, इसलिए हम इग्नोर करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, ठीक है, कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भूखते हैं, तो हाथी उन कुत्तों की फिक्र नहीं करता है, ठीक है ना। तो भाई जो हमें प्यार करते हैं उनको हम भी प्यार करते हैं, ठीक है। जो हमें नफरत करते हैं हम उनको भी प्यार करते हैं, लेकिन जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा नफरत करना चाहते हैं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है आपके साथ प्यार मोहब्बत और नफरतबाजी करने का, ठीक है। धंधा वाला आदमी अपना धंधा पर ध्यान देता है, काम पर ध्यान देता है, फालतू चक्कर नहीं बैठता है। जो कमेंट्स करते हैं फालतू काम से, उनको काम ही नहीं है, फुर्सत में है, इसलिए उल्टा सीधा कमेंट करके लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं। तो जो अगर कोई उल्टा सीधा मेरे पास बोलता है कि अगर चोर है फेक है कुछ है, तो भाई सबूत दिखा दो, ठीक है। झूठ मूठ का बोलने से नहीं, इसका ये नहीं है उसका वो नहीं, भाई आप जानते हो मेरे को पर्सनली, जानते हो आप, देखिए कहीं मिले हमसे, आइए मिलिए, हम तो बुलाते ही आपको, आइए हमारे ऑफिस मिलिए, बैठिए बात करते हैं, आपको क्या पूछना है हम आपको बताएंगे, अरे हमको क्या पूछना है आपसे हम पूछ लेंगे, ठीक है ना। नीचे कमेंट्स करके ये चुतियापना मत करो यार, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग हो, तरीका डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन से बात करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, अपनी जबान साफ रखो। अगर आपका इस तरह बिहेवियर देखें तो आपके बाल बच्चे छोटे आपके जो उसको पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेवकूफ़ी ना करें। और जिसको वीडियो पसंद आ गया भाई, तो देखो भाई थोड़ा मैं भी इंसान हूँ, लिखा हुआ पढ़ा हुआ पढ़ता हूँ तो तकलीफ़ होती है, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं इंसान उसको इग्नोर नहीं कर सकता, ये जो कमेंट से ना कुछ असर भी नहीं होता, कोई असर नहीं होता, ठीक है। मैं चाहूँ तो फटाक से उसको डिलीट कर सकता, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको डिलीट भी कर देता हूँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, हमारे आगे पीछे इंसान के रूप में शैतान बहुत से हैं जो परेशान करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से तो कुछ होने वाले नहीं है, शैतान परेशान करता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, शैतान के बस में कुछ नहीं है, अच्छा बुरा सब अल्लाह के हाथ में। तो बस अपना काम करते बिंदास, आप अपना आपको सर्विस हम से लेना है भाई, हमारे ऑफिस हमारे पास जॉब्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी वैकेंसी, अच्छे लोगों का स्वागत है। और जो सिर्फ कमर्स में करके डिस्को डांडिया करते हैं, तो भैया डिस्को डांडिया करते रहो, हम तो अपना काम करते रहेंगे, ठीक है दोस्त। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।